Very, very good morning, student. And I hope you got some pieces of news that कि आपकी डेट शीट रिलीज हो गई है ऑफ 10th क्लास. और जिन स्टूडेंट को लगता है कि आईटी पेपर आपके एग्जाम में नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में, सो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो टाइम डेट शीट चेक करने के बाद में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी. सो फर्स्ट, हाउ कैन यू चेक योर डेट शीट? तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन वे बता रहा हूँ. आप क्या करो, सर्च CBSE ऑन गूगल. ओके, सर्च CBSE ऑन गूगल और किसी भी ब्राउजर पे सर्च करो. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE.gov.in. सो क्लिक ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. इस पर आप क्लिक करो. ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग इट विल आस्क यू न्यू साइट रिजल्ट ओल्ड वेबसाइट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू साइट. ओके, आफ्टर क्लिकिंग अ न्यू साइट, तो यहां पर बिलो लेटेस्ट CBSE. Okay, so here you can see date sheet for board examination 2020. Okay, कब publish हुई? 2 Feb 2021. So this is for 12 and this is for 10th. So click on 10th class. Okay, so this is your date sheet. यहाँ से आप date sheet download कर सकते हो and I will share this date sheet in your Google Classroom also. देखो, तो यहाँ पर आपका exam कब है IT का? देखो, start कहाँ से हो रहे हैं? Your exam started from 4th May 2021. और आपका IT का जो पेपर है वो कब होगा? 29th May 2021 Saturday. आपका टाइमिंग क्या होगा? 10:30 to 12:30. Because ये पेपर की जो ड्यूरेशन है that is a 2 hour. अच्छा देखो, अपना सब्जेक्ट कौन सा है? 402 and subject name information and technology. So be ready कि अब आपको इस पेपर का एग्जाम देना ही है. पैटर्न में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी इस पेपर का पैटर्न क्या होगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है. तो पैटर्न चेक करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पर अगेन गूगल पर जाओ. ठीक है, CBSE अकेडमिक आप यहाँ पर एंटर करो. CBSE अकेडमिक, यहाँ पे जो भी आपके जो जनरल क्वेश्चन है उनके मैं आपको आंसर कर रहा हूँ आज. फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट तो अपना सिलेबस चेक कर लो एक बार. अगर सिलेबस किसी ने चेक नहीं किया हो तो मैं सिलेबस बता देता हूँ. यहाँ पर जब आप CBSE की वेबसाइट पे विजिट करोगे cbseacademic.nic.in, here यहाँ पर देखो कौन सा टैब है आपका, स्किल एजुकेशन टैब. तो यहाँ क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो करिकुलम में रिवाइज्ड करिकुलम. कम कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, कम कुछ भी नहीं हुआ. अब रिवाइज में क्या हुआ है, देखो ये है आपका 402. सो यहाँ पे 10th पर क्लिक करो. ठीक है, अब देखो ये आपके पार्ट ए है एंड दिस इज द पार्ट बी. तो न्यू जो बुक है आपकी उसमें पार्ट ए और पार्ट बी बोथ आर कंबाइंड, आपकी सिंगल बुक आएगी. सो पार्ट ए आपका 10 मार्क्स का है और पार्ट बी जो आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है. इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं और यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स हैं. दीज यूनिट ऑलरेडी यू स्टडी इन 9th क्लास में आपने ऑलरेडी इनको स्टडी किया है. कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रीन स्किल. बस यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सटेंड पढ़ोगे. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो न्यू थिंक आई है विंडोज 7 के बेसिस पे वो हमने स्टडी कर लिया है. ठीक है, नया जो अपडेशन है ICT में वो हम कर चुके हैं. ठीक है, रिविजन के अंदर आप बस अपने टॉपिक्स और डाउट्स जो है वो आपको पोस्ट करने हैं. आई ऑलरेडी इनेबल्ड योर कमेंट इन गूगल क्लासरूम. ठीक है, पार्ट बी जो आपका इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन राइटर हो गया, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ये आपका कैल्क हो गया, एक्सेल. ठीक है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे SQL की क्वेरीज है वो आपको आनी चाहिए, उससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे. वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज पार्ट बी यूनिट. ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4. बाकी इसमें तो आपको कितने 6 क्वेश्चंस आएंगे, किसके MCQs के इन 4-5 यूनिट्स में से. सो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, आपको 4 अटेम्प्ट करने, तो 4 नंबर ही हो गए. एंड 6 जो है बिग क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द दीज यूनिट, तो उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने, ओनली 3 क्वेश्चंस. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज द सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है, ICT का कोई क्वेश्चन आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट एंड मिथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप.
give the some examples of green skill and explain each like this. So, इसमें तो इसी तरह के questions बनते हैं, but फिर भी कोई ऐसा important होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे. But in these three units, I will post PDF. मैं इन सब की individual PDF post करूँगा. There are all important questions regarding these units. इसके जितने भी sessions हैं, session wise जितने भी important questions हैं, वो हैं. वो important questions हम करेंगे. उसके अलावा जो necessary है, वो भी हम यहाँ पे cover करेंगे. ठीक है? So, फिलहाल अब आपको फोकस करना है पार्ट ए एंड पार्ट बी पर. तो पार्ट ए के पार्ट बी के में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इन योर गूगल क्लासरूम, आपको उनको रीड करना है एंड आफ्टर द रीडिंग आपको अपने डाउट्स जो है मुझसे पूछने हैं. तो ये तो है इंपॉर्टेंट न्यूज किसके लिए, आपके लिए. ठीक है? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे तो हमने डिस्कस किए हैं. तो अब देखो, ये तो हो गया आपका पैटर्न. ठीक है? किस तरह का पैटर्न है ये? पैटर्न देख लिया आपने, ये आपका सिलेबस है. और यहाँ पे मार्किंग स्कीमा, इस वाले पार्ट पे आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, इस पे थोड़ा कम करना है. क्योंकि मार्किंग स्कीमा किसका है? इसका ज्यादा है, 40 मार्क्स और ये 10 मार्क्स का है. यहाँ पे आप जर्नल स्टडी करोगे तो डेफिनेटली तो भी इसको आप कर लोगे. तो हम देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नाउ टाइम टू पेपर पैटर्न. अच्छा, पेपर का पैटर्न कैसे होगा आपका? पेपर का पैटर्न हम इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे योर 10th 402 सैंपल क्वेश्चन पेपर. सो अभी पैटर्न चेंज हुआ है. अच्छा, चेंज पैटर्न में क्या है? देख, ये तो मार्किंग स्कीम है आपका. ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स से कितने एमसीक्यूज हो सकते हैं, शॉर्ट टाइप कितने हो सकते हैं. ठीक है? सेल्फ मैनेजमेंट से 2 हो सकते हैं. तो ऐसे 1-1 करके टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए. 1-1, 2-2 क्वेश्चंस जो है आपके सेल्फ मैनेजमेंट में, कितने 2 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू. एंड 5 क्वेश्चंस किसमें आएंगे आपके? 1-1. तो हर एक यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे टोटल 5. सो हियर टोटल आपके कितने हो गए? 11 क्वेश्चंस हो गए. मार्क्स कैसे हो गए? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन. इनमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपके 4 मार्क्स ही हो गए. एंड ओनली अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. यहां से इनमें से कोई भी आप क्या करो, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. ये है आपके 2 मार्क्स के. ठीक है? अगर सेल्फ मैनेजमेंट में से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कितने देखो, ये टोटल यूनिट में कितने, ये आ गए आपके 2 यूनिट्स की है. सेल्फ मैनेजमेंट आपके कितनी? 3, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए. ठीक है? और एक क्वेश्चन यहाँ, टोटल 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. और 2 क्वेश्चन यानी हर यूनिट में से आपके ओनली 2 क्वेश्चन ही आएंगे. तो इन द शॉर्ट क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ओनली एनी 3 क्वेश्चन. बस आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हमने डिस्कस किया. और दिस इज द पार्ट बी. ठीक है? यहाँ पे देखो एमसीक्यूज कितने हो सकते हैं, 6, 6, 6, तो टोटल 24 क्वेश्चन. ये सारे ऑप्शनल में होंगे. इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? ओनली 20. 24 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 20 शॉर्ट क्वेश्चंस. इसमें से आपके देखो टोटल 6 आपके शॉर्ट होंगे, जिसमें से आपको ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के. और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आपके टोटल कितने? 5 क्वेश्चंस होंगे. 5 में से अटेम्प्ट ओनली 3. ठीक है? वो कितने होंगे? 4 मार्क्स के होंगे. तो ये टोटल आपके 12, 8 एंड 20, ये हो गए आपके कितने? 40 मार्क्स. तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 35 क्वेश्चंस होंगे. उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 24 + 3, ओनली 27 क्वेश्चंस. ठीक है? ये तो हो गया आपका पैट कि कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है. सो नाउ यहाँ पे भी ये मेंशन है कि आपको कितने क्वेश्चन पेपर में इतने हैं ए और बी सेक्शन में, आपको ये करना है, दैट्स इट. तो स्टार्टिंग करते हैं. सो दिस इज सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ये दिस क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग्स टू पार्ट ए. यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4. आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है? सेकंड आपके ये जो है आपके जो बाकी यूनिट्स है उससे हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं. अगेन फिर ये आपका पार्ट बी में से ही है. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. सेम कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्या है, बस आगे से आगे यूनिट वाइज चल रहा है. जैसे यूनिट 1, 2, 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया, दैट्स इट. इस तरीके से तो 4 यूनिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस हो गए. ठीक है? उसमें मिक्सिंग भी चलेगी. हाँ, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चंस होगा लेवल्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको क्या करना है देखो. सो यहाँ पे वी है 5 क्वेश्चंस. हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है? टोटल 5 क्वेश्चन है. तो ये कितने? 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर. तो इनमें से कोई भी आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट है सब्जेक्टिव में,
ये थोड़े से आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हो गए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। तो ये क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं पार्ट किस में से, ए में से। टोटल 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट में से 1-1 क्वेश्चंस हैं आपके पास। सो यू हैव अटेम्प्ट ओनली, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस। तो टोटल 6 मार्क्स हो गए पार्ट ए के। एंड दिस सेक्शन फ्रॉम द पार्ट बी, तो पार्ट बी के अंदर कितने आपके 1 से लेकर 11 टू 16 टोटल कितने 6 क्वेश्चंस हो गए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, बिलोंग्स टू पार्ट बी। यहां पे कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और ये आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस है आपके पास, यू हैव 5 क्वेश्चंस। एक आपको इस तरह का डेटाबेस का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, जहां पे आपको क्या करना है, क्वेरीज लिखनी है। और ये क्वेरीज आप तभी कर सकते हो जब आपको आइडिया हो टेबल का, ठीक है, टेबल में क्या चीज है। ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड नहीं यही मिले, इसमें डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट टू इम्पोर्टेंट फील्ड लाइक विच फील्ड डिक्लेयर एज ए प्राइमरी की और फॉरेन की, या फिर आपको इट कैन आस्क दैट यू हैव टू राइट क्वेरी टू शो ऑल आइटम दोज प्राइस ग्रेटर देन 80। तो इस तरीके से क्या है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो डिपेंड करेगा किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये जो पैटर्न है ये आपको प्रिपेयर करना है किसके अकॉर्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो दिस इज योर पेपर, 2 घंटे का होगा, ओनली 2 आवर्स, तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, ओनली 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये है आपका ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट आपको अवेलेबल है सीबीएसई के वेबसाइट पर, ठीक है। बट फिर भी आई विल शेयर आपको, एक तो ये क्या शेयर कर दूंगा, फर्स्ट आपका जो डेट शीट है एंड सेकंड इज योर पेपर पैटर्न, ठीक है, किस तरह का आपका पैटर्न है। ये पैटर्न या गिवन है, आपको अलग से सिलेबस में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपको सिलेबस चाहिए तो तीनों चीजें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट इज बुक, बिकॉज योर सिलेबस चेंज दिस ईयर, और काफी लॉन्ग टाइम से कोई बुक वहाँ अवेलेबल नहीं थी, बट नाउ द बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। बट फिर भी आपको हो सकता है मार्केट में बुक ना मिले, सो यहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल है। हियर देखो, दिस स्टडी मटेरियल फॉर 402, यहाँ पे क्लिक करो। दिस स्टडी मटेरियल आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन योर गूगल क्लासरूम। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है लाइक दिस, ये पैराग्राफ स्टाइलिंग, अप्लाई स्टाइलिंग, और जब ये यूनिट एंड होगा तो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक। देखो हम लास्ट में चेक कर लेते हैं, वो भी क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि आपके बाकी क्वेश्चंस होंगे। सो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये स्कीमा जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ऑफलाइन क्लास में भी सेम चीज ही होगी, कुछ नया नहीं होगा। आज से मैं पैटर्न ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि उनके कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं है, और पैटर्न कैसा रहेगा। तो आज हम सबसे पहले इसी को क्लियर करेंगे। ओके, सो वेट, एक बार मैं पेज ओपन कर लूँ क्वेश्चंस का। सो यू कैन सी हियर इज सम क्वेश्चंस, एक्सप्लेन मेल मर्ज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज, गिव एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेसेस इन विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड। ये डेटा सोर्स की बात हो रही फॉर द मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज में आप क्या यूज कर सकते हो, फाइल यूज कर सकते हो, डेटाबेस यूज कर सकते हो, कोई भी एमएस एक्सेस या फिर जो आपका लिब्रे ऑफिस बेस है उसकी फाइल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देर आर नॉट ओनली 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, देर हियर आर मेनी क्वेश्चंस। सो आई विल पोस्ट द पीडीएफ विद क्वेश्चंस एंड आंसर। आपको क्या करना है, आज ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट मैं यूनिट 1 पोस्ट करूंगा, देन यू विल आस्क मी योर क्वेरी अबाउट द यूनिट 1 क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट वीक आई विल पोस्ट द सेकंड यूनिट क्वेश्चंस। सेकेंड यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द ईच सेशन वहां पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको उसको रीड करना है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस डाउट को आपको क्लियर करना है। सो आप यू कैन पोस्ट योर डाउट इन गूगल क्लासरूम आल्सो, मैंने ऑप्शन इनेबल कर दिया है, पहले डिसेबल था बट नाउ द ऑप्शन इज इनेबल्ड, ठीक है। तो ये है आपका जो मटेरियल है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट है, देखो पार्ट ए जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्ट ए के लिए आप यहाँ पर कुछ न्यू चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो नहीं, स्किल एजुकेशन टैब, बुक्स, सो यहाँ पे दिस
और यहाँ पे देखो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सो देखो ये तो है आपकी बुक है ऑलरेडी, बट दिस इज द न्यू स्टडी मटेरियल। सो यहाँ पे टैन पे क्लिक करो और यहाँ पे आईसीटी में देर आर सम न्यू चेंजेस। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है, ये ओनली द स्टडी मटेरियल है। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है दोज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस स्टडी मटेरियल। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है। लाइक द यूज ऑफ जार्गोन, जार्गोन का होता शब्द जाल, किसी को जैसे कि हम किसी दूसरे शब्द का यूज कर लेते हैं जिससे वो पर्सन अनफेमिलियर हो, इमोशनल डिफरेंस, फिजिकल एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको आप डेफिनेटली रीड करें और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको भी आप यहाँ से प्रिपेयर करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7C ऑफ कम्युनिकेशन। सो एग्जामिनर आपसे 7C कंप्लीट पूछ सकता है या फिर कोई भी 2 एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है इन योर शॉर्ट क्वेश्चन। और एमसीक्यूज में कोई भी 4 दे देगा उसमें एक रॉन्ग दे देगा, या कोई भी 4 दे देगा उसमें करेक्ट वन होगा, बाकी क्या होंगे रॉन्ग होंगे। ठीक है, इस तरीके से वो कर सकता है। तो हर एक सी को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजेक्शन, इंटरजेक्शन। सो दीज ऑल आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपके इंग्लिश वाले सर जो है वो आपको करवा चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप अपने इंग्लिश वाले सर से कहें, वो आपको ये टॉपिक रिपीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट शो कर रहा हूँ, क्या चीज, आपका आईसीटी टूल। सो वेट, ओके, दिस इज अ सेल्फ मैनेजमेंट। ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे सेल्फ मैनेजमेंट, सो काइंडली प्रिपेयर केयरफुली, 3 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा अच्छे से रीड करें। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, दिस इज अवर यूनिट आईसीटी। सो देखो क्या चेंजेस हैं, प्रीवियस में क्या था और अब में क्या था। तो प्रीवियस में आपके मोबाइल्स वगैरह है, रीड तो वो भी करना है, बट नाउ आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फर्स्ट यू नीड टू नो दैट व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स। ठीक है, देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। जीयू का मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर कौन सा है, इनमें से कौन सा ग्राफिकल है और कौन सा सी कमांड मोड है, CLI। सिंगल यूजर कौन से होते हैं, मल्टी यूजर कौन से होते हैं, रियल टाइम, ये जर्नल चीजें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, 8 तक भी आपने किया होगा और 9th में भी आपने किया होगा। द न्यू थिंग इज अवेलेबल इन दिस स्टडी मेटल, दैट इज अ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर विंडो 10 नहीं है, विंडो 8 नहीं है, विंडो 7 इन्होंने दिया हुआ है। सो विंडो 7 में क्या क्या चीजें हैं, ये आइकन्स क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय द वॉलपेपर, डेस्कटॉप क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे इसके जो आइकन्स दिए हुए हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, हार्ड डिस्क, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये जर्नल चीजें, ये आपके स्टार्ट मेन्यू हो गया। ठीक है, और ये जर्नल चीजें जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं अपनी डेली लाइफ में, आप यूज करते हो कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल में भी कई सारी चीजें आती हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लोगोज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में से कोई लोगो आ जाए तो आपको आइडिया हो कि हाँ ये कौन सा सिस्टम है। वैसे तो विंडोज का आपको पता ही है, ये लिनक्स का है या एंड्रॉयड का है, तो वैसे तो हर लोगों के साथ उसका नेम मिलेगा, बट फिर भी अगर सिर्फ ये लोगो मिल जाए आपको तो ये किसका होगा, आपका विंडोज का। अगर पैगविन मिलता तो पैगविन किसका होगा, लिनक्स का। मैक के लिए ये वाला है, मैकिंटोश। ओके, यहाँ पर है, ये आपका हायरार्किकल ऑर्डर है कि हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, किस तरह का ऑर्डर होता है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर एक तरह का। अब क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, राइट क्लिक करके क्रिएट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग फाइल, वही राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर लो, या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट कर लो। रीनेमिंग के लिए क्या कर सकते हो, या तो यू कैन क्लिक राइट क्लिक, मेक राइट क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर एंड रीनेम, अदरवाइज सिंगल क्लिक करो एंड देन प्रेस F2। F2 वी यूज फॉर रीनेम एनी फोल्डर एंड फाइल। डिलीट करने के लिए डिलीट की है, नहीं तो राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ऑप्शन अवेलेबल हियर। उसके बाद कॉपी फाइल, आपको पता ही, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या फिर ड्रैग करके एंड ड्रॉप कर दो, दैट्स इट, उससे भी हो जाएगा। दोनों मेथड्स यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स है एंड शॉर्टकट मेथड्स भी, यूजिंग कीबोर्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मूविंग में क्या होता है, कट एंड पेस्ट, दैट इट, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। परमानेंटली डिलीट के लिए करो, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दो, या फिर रिसाइकल बिन में जाकर के राइट क्लिक करके उसको क्या कर दो, MPT रिसाइकल बिन कर दो, दैट्स इट। रिस्टोर करने के लिए जाओ, फाइल पे राइट क्लिक करो, या ऊपर फाइल, जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा रिस्टोर फाइल, तो सारी फाइल्स क्या होगी जहां से आपने डिलीट किए वहां पे वापस रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या है सेशन 2 में।
ये आपकी कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस है कि कीबोर्ड की कैसे केयर करनी है, ठीक है, सिस्टम को कैसे क्लीन करना है, दैट्स इट, ऑप्टिकल माउस वगैरह को कैसे, ये सब आपकी उस पुरानी वाली बुक में भी है जो इंटरऑपरेबिलिटी स्किल्स की है। मेंटेनेंस कैसे करना है ये हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं कि कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करें, एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो, दैट्स इट, सीडी वगैरह बिना स्कैन के यूज मत करो, पेन ड्राइव बिना स्कैन के यूज मत करो, कोई भी ईमेल से अटैचमेंट डाउनलोड मत करो, ठीक है, ये सारे। अच्छा, ये स्कैनिंग, क्लीनिंग, स्पैमिंग, स्पैम ये पता ही आपको, ये एंटीवायरस आ गया, ये कौन सा आपका क्विकहील एंटीवायरस, ओके। और ये आप क्या है, प्रॉपर्टी देख सकते हो, डिस्प्ले राइट क्लिक करो, वहां पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ से आप फाइल्स को कई सारे को डिलीट भी कर सकते हो, बहुत सारी यूटिलिटी है उनको आप यूज कर सकते हो, डिस्क क्लीनअप वगैरह। टेम्परेरी फाइल को रिमूव करने के लिए रन यहाँ पर भी आप कर सकते हो, जो टेम्परेरी फाइल पे क्लिक कर दो, नहीं तो रन में जाके परसेंटेज टैम्प ये आप टाइप करो, एंटर करो, ये टेम्परेरी फोल्डर ओपन हो जाएगा और इसको कंट्रोल ए करके और डिलीट की प्रेस कर दो, दैट्स इट, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आईटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा डायग्राम है आईसीटी स्किल्स, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आ गई, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, वाईमैक्स वगैरह जो भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू, जो हो सकता हो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपके यूनिट 4 में अवेलेबल है, पार्ट सॉरी पार्ट बी के अंदर यूनिट 4 में, वेब वाले में, वहाँ पे वाईफाई, मैक्स, लैन, वैन, मेन, पैन सब कुछ अवेलेबल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले अपनी डेट शीट में चेक करो कि आपका पेपर वाकई है, देन ये जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया यहाँ जाके विजिट करो, पैटर्न्स देखो, और पैटर्न्स में कोई डाउट हो गूगल क्लासरूम में पोस्ट करो कि आई हैव डाउट इन पैटर्न्स स्टडी मटेरियल, या फिर जो पेपर पैटर्न है उसमें जो भी डाउट है आपका वहाँ पोस्ट करो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करते हुए चलेंगे, दैट्स इट। उसके साथ अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो टॉपिक हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास, ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।